मेरा नाम स्वाति योगी है और मेरा सेंटर गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल आदर्श विद्या मंदिर मानटाउन सवाई माधोपुर आया था। ये सेम सेंटर NTA के 5 मई के रिलीज नोटिफिकेशन में भी मेंशनड है। हमें गलत पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया दिन में 2 बजे के आसपास। 2 बजे हमें पेपर मिला और हमें सबसे पहले हमें हिंदी वाला सेट का पेपर दे दिया गया। फिर हमने उन्होंने बोला भी कि ये हिंदी वाला सेट का पेपर है, हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं तुम्हें यही पेपर करना पड़ेगा। हमने 10-15 मिनट वेट भी किया, उस पेपर का सॉल्व भी किया, पर OMR नहीं भरी। पर उन्होंने जब बिल्कुल मना कर दिया कि तुम्हें दूसरा पेपर मिलेगा ही नहीं, फिर हमने OMR भरनी स्टार्ट करी। लेकिन वो 5 मिनट बाद दोबारा आए और हमसे हमारा पेपर ले गए। OMR वही रहने दी पुरानी वाली, फिर हमें दोबारा इंग्लिश का पेपर दे गए, लेकिन OMR वही रहने दी पुरानी हिंदी वाली। तो हमने बोला कि हाँ OMR और पेपर का सेट जो है वो मिसमैच्ड है, पर उन्होंने नहीं सुनी कि तुम्हें इसी पेपर में करना पड़ेगा। OMR R6 की थी और पेपर R4 का था। इसके लिए कुछ बच्चे बाहर जाके प्रोटेस्ट करने लग गए, सब CCTV में सब रिकॉर्डेड है, बाहर जाके प्रोटेस्ट करने लग गए, मीडिया आई और हमारा पेपर जैसे टाइम वेस्ट हो गया। 3 घंटे पूरा का पूरा, 3 घंटा 20 मिनट हमने कुछ नहीं किया क्योंकि हमारे पेपर का सेट और OMR का सेट ही अलग अलग था। मीडिया आई, पुलिस ने कुछ बच्चों को बहुत मारा, मीडिया ने सब कुछ रिकॉर्ड किया, मीडिया ने हमसे बात करी। शाम को फिर SDM और ADM कलेक्टर सब लोग आए, उन्होंने सारी सिचुएशन बताई। फिर लास्ट में उन्होंने बोला कि तुम्हारा पेपर रिकंडक्ट करवाते हैं 6 बजे से। अब इतना कुछ होने के बाद, इतना माइंड सैचुरेशन और हरासमेंट के बाद में शाम को 6-6:30 बजे से पेपर देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। फिर भी हम सब ने करेज गैदर करी और बोला कि ठीक है हम लोग दे देंगे दोबारा पेपर। पर उन्होंने हमारे क्लासरूम के 12 बच्चों को फिर मना कर दिया कि तुम लोग पेपर नहीं दे सकते क्योंकि तुम लोग 3 घंटा क्लास के अंदर बैठे थे, बाहर जाके प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन हमारी अटेंडेंस उन्होंने माफ कर दी। हमने ना OMR शीट पे साइन करे, न थंब इम्प्रेशन लगाया, न अटेंडेंस शीट पे साइन करे, स्टिल उन्होंने बोला कि तुम्हारा पेपर दोबारा नहीं होगा। बड़ी मुश्किल, और इस टाइम दो जो शाम वाला पेपर था वो स्टार्ट हो चुका था बच्चों का। हम ADM के पास दोबारा गए, हमने उन्हें पूरी सिचुएशन बताई कि हमने दिन में पेपर किया ही नहीं सर, हमारा सेट और OMR मिसमैच हो रहा था। तो उन्होंने फिर हमें 15 मिनट बाद बोला कि इन बच्चों को लेके जाओ, इनका भी दोबारा पेपर कराओ। तो फाइनली हमारा पेपर 6:30 से चालू हुआ और 9:30 पे जाके ख़त्म हुआ। और वो सेम पेपर हमारा जो आया MNOP सेट का पेपर था हमारा, मेरे सेट M3 था, उस MNOP सेट के पेपर, वही सेम पेपर कुछ जगह इंडिया में दिन में भी कंडक्ट हो चुका था। इंडिया के कुछ सेंटर्स में दिन में भी वो पेपर बच्चों को मिल चुका था जो हमारा रात में कंडक्ट हुआ। तो अगर वो पेपर सुबह ही कंडक्ट हो चुका था तो हम उस सेम पेपर से हमारी रात को एग्जाम उन्होंने कैसे ले ली, कैसे करवा सकते हैं। इसके बाद में भी उस पेपर में भी कुछ क्वेश्चंस थे चैलेंजेबल, जो प्रोविजनल आंसर की आने के बाद में मैंने टीचर से कंसल्ट करके उन्हें चैलेंज किया, उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। और हमारा जो टाइम लॉस हुआ उसका ना कोई नॉर्मलाइजेशन किया गया, ना हमें कोई ग्रेस मार्क्स दिए गए। तो अब इसके ऊपर क्या किया जाए, मेरे 636 मार्क्स बन रहे हैं पर इस साल सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि 42,000 रैंक है। अब इतने सब बावजूद, इतने कुछ होने के बावजूद 636 मार्क्स पे अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो